राजनीति एक ऐसी शय जो बनाने पर आए तो पूरे मुल्क की तकदीर बना देती है, और वहीं अगर बिगाड़ने पर आए तो उस देश का जो हश्र करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। काल के खंड में कई ऐसे देश हुए हैं जो ऐसी ही राजनीति का खामियाजा भुगत चुके हैं, लेकिन आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस मुल्क के नेताओं ने अपनी राजनीतिक मंशा के चलते अपने ही मुल्क के दो टुकड़े करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये किस्सा है 48 साल पुराना, जब पाकिस्तान में जनता द्वारा चुने गए एक नेता को सत्ता पर काबिज होने से रोका गया, जिसके परिणाम इतने घातक हुए कि उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। वो पहला चुनाव था जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों का चेहरा दुनिया के सामने रखा, और दुनिया को पहली बार ये मालूम हुआ कि किस तरह पाकिस्तान में गैर मजहबी लोगों को गुलाम समझा जाता है। तो चलिए आज किस्सा आज तक पर हम आपको सुनाएंगे पाकिस्तान के पहले इलेक्शन से जुड़ा वो किस्सा जिसने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। ये कहानी शुरू करने से पहले हमें चलना होगा 11 अगस्त 1947 में, जब पाकिस्तान को बनने में महज 3 दिन बचे थे। उस दिन पाकिस्तान के जन्मदाता कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तान सरकार का कोई भी फैसला मजहब के आधार पर नहीं होगा। लेकिन जिन्ना के आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान की सच्चाई से हर कोई वाकिफ था, और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 1956 में जब पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार हुआ तो जिन्ना का 9 साल पहले किया वो वादा हवा हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान का नाम अब संविधान के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो चुका था। पाकिस्तान की सभी हिंदू मेजोरिटी पार्टीज और ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग ने इसका जमकर विरोध किया। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा को समझ आ चुका था कि इस संविधान के कारण उनकी गद्दी खतरे में आ चुकी है, जिसके चलते 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने संविधान को रद्द कर दिया और इस तरह पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लेकिन सिकंदर मिर्जा ज्यादा देर तक अपनी सत्ता कायम नहीं रख पाए। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा का तख्ता पलट कर दिया और उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अयूब खान ने भी मार्शल लॉ जारी रखा और खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 1965 में अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान भारत के साथ जंग में उतरा और उसे मुंह की खानी पड़ी। साल 1969 में अयूब खान ने पाकिस्तान की कमान जनरल याया खान के हाथ में सौंप दी, जिसके बाद पाकिस्तान में पहली बार चुनाव करवाने की मांग तेज हो गई, और इस तरह साल 1970 में याया खान के मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान में पहला आम चुनाव करवाने की सहमति बनी। पाकिस्तान का वो पहला आम चुनाव था जिसमें लगभग 24 राजनीतिक पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन इन पार्टियों में से दो पार्टियों में मुकाबला टक्कर का था। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे, और जदोजहद करोगे। एक थी जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी पीपीपी, और दूसरी तरफ थी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी दी आवामी लीग। दोनों ही पार्टियों का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पीपीपी जहां वेस्ट पाकिस्तान में मजबूत थी, तो वहीं आवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी थी। लेकिन चुनाव से 11 महीने पहले ही 4 जनवरी 1970 को अपने 42वें जन्मदिन पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने चुनावी कैंपेन का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कराची के निश्तर पार्क से अपनी पहली चुनावी रैली शुरू की, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के रावलपिंडी और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी चुनावी रैलियां की। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान के मुताबिक इस अत्याचार को रोकने का महज एक ही रास्ता था, और वो थी उनकी 6-पॉइंट मूवमेंट। इस 6-पॉइंट मूवमेंट में 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन का हवाला दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के बनने के बाद
वहां लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होगी और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान का अपना अर्धसैनिक बल होगा, यानी वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में कम से कम दखल। इन्हीं मुद्दों के चलते शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के चहेते बन गए थे और उनका आत्मविश्वास हिलोरे मार रहा था। इसी आत्मविश्वास के चलते मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान में भी अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने ईस्ट पाकिस्तान में कदम तक नहीं रखा था। ये चुनाव ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की कुल 300 सीटों पर लड़ा जा रहा था, जिसमें से वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीटें और ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटों पर चुनाव होना था। शेख मुजीब और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ साथ याया खान के लिए भी ये चुनाव साख का विषय बन चुका था। खैर, 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में आम चुनाव करवाए गए, लेकिन जब इनका नतीजा सामने आया तो भुट्टो और याया खान के कदमों तले ज़मीन खिसक गई। आवामी लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने शेख मुजीब के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटों पर जीत दर्ज की। और वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान की 138 सीटों में से 81 सीटों पर जीत दर्ज की। याया खान को इन चुनावों से तगड़ा झटका मिला था, क्योंकि उनका मानना था कि इन चुनावों में कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं जीत पाएगी और वो एक मिलीजुली सरकार बनाकर उसे कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। पाकिस्तान की जनता ने जनादेश आवामी लीग को दे दिया, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान को पहली बार शेख मुजीबुर रहमान के रूप में पहला बांग्ला प्राइम मिनिस्टर मिलना लगभग तय था। याया खान और भुट्टो के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। यहां तक कि वेस्ट पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर रोष था कि किसी भी ऐसे इंसान को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता जिसका एजेंडा 6-पॉइंट मूवमेंट या फिर ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी हो। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान के लोग दशकों से चले आ रहे पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही रवैये से तंग आ चुके थे और वो शेख मुजीब को अब पाकिस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर देखना चाहते थे। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो किसी भी कीमत पर नंबर दो नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ याया खान भी पशोपेश में थे, क्योंकि वो ये वादा कर चुके थे कि पाकिस्तान के चुनाव खत्म होते ही 120 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान का नया संविधान तैयार कर दिया जाएगा, नहीं तो असेंबली रद्द कर दी जाएगी। उधर शेख मुजीब ने 17 दिसंबर 1970 को ईस्ट पाकिस्तान में ये घोषणा कर दी कि अब उन्हें बांग्लादेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। I am the president of the people of Bengal, legally, morally. I am the man who can govern this country. इस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने तल्ख बयान देते हुए कहा कि उनके समर्थन के बिना ना ही कोई संविधान बनेगा और ना ही कोई सरकार। जिसके बाद 28 दिसंबर को याया खान जुल्फिकार अली भुट्टो से कराची में मीटिंग करते हैं ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन इससे पहले याया खान कोई और चाल चलते 3 जनवरी 1971 में शेख मुजीब के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान के सभी जीते हुए कैंडिडेट रमना रेस कोर्स ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं और बांग्लादेश बनाने की कसम खाते हैं। इसके बाद याया खान और जुल्फिकार बारी बारी से मुजीब से मिलने ढाका जाते हैं, लेकिन इस वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि जुल्फिकार और याया दोनों ही जनता के फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। इस सारे राजनीतिक ड्रामे के बाद आखिरकार याया खान के आदेश पर 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी श्रीलंका के एयर स्पेस के जरिए ढाका पर हमला बोल देती है। इतिहासकार पाकिस्तानी मिलिट्री के इस ऑपरेशन को मिलिट्री दंगा कहकर भी बुलाते हैं, जिसके बाद 25-26 की रात को 1:30 बजे पाकिस्तानी मिलिट्री शेख मुजीब के घर पर धावा बोल देती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद पूरे ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। शेख मुजीब का समर्थक ग्रुप मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में गोरिल्ला युद्ध छेड़ देता है, जिसमें भारतीय फौज लगातार उनकी मदद करती रहती है। लेकिन मुक्ति वाहिनी का संघर्ष तब रंग लाया जब भारतीय फौज 3 दिसंबर 1971 को
सीधे लड़ाई में कूद पड़ती है और महज 13 दिन में यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर उभरता है जिसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश। इसके बाद 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीब को पाकिस्तान की गिरफ्त से रिहा करवाया जाता है और इस तरह वे आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इस जंग के बाद याया खान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं जिसकी कीमत थी पाकिस्तान का बंटवारा। हमारे वीडियोस देखने के लिए जाएं aajtak.in पर। फेसबुक पर टाइप कर सकते हैं #किस्सा आज तक और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए टाइप कीजिए किस्सा आज तक।